हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र AM। दिस इज़ आशुतोष, एडवोकेट एट इलाहाबाद हाई कोर्ट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ होमिसाइड एंड व्हाट इज़ मर्डर एंड व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन होमिसाइड एंड मर्डर एंड व्हेन ए होमिसाइड कन्वर्टेड इनटू मर्डर। मतलब मानव वध क्या है, हत्या क्या है, मानव वध और हत्या में सामान्य अंतर क्या है और कब एक मानव वध हत्या कहलाती है, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सीधे आप तक सबसे पहले पहुँचे, और लाइक शेयर ज़रूर करिए ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, धारा 299 सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 इज टेलिंग अबाउट होमिसाइड। इसके डेफिनेशन में कहा गया है, हु एवर कॉजेज डेथ, जो कोई भी मृत्यु कारित करता है, बाय डूइंग एन एक्ट, किसी कार्य द्वारा, किसी कृत्य द्वारा कोई मृत्यु कारित करता है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, उस मृत्यु को कारित करने के आशय से, उसका आशय भी यह होना चाहिए, उसका इंटेंशन भी होना चाहिए कि वह मृत्यु कारित करना चाहता है, वह जो कार्य कर रहा है उससे वह किसी एक दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहता है, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, अथवा किसी ऐसे आशय के साथ गंभीर शारीरिक क्षति कारित करता है जिससे वह जानता है कि इस शारीरिक क्षति से उसका मृत्यु होना संभव है या ऐसी क्षति द्वारा उसकी मृत्यु संभव है, ऐसे जानते हुए उसके शरीर में चोट पहुंचाता है, और विथ द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, या वह किसी कार्य में यह जानते हुए कि इस कार्य से मृत्यु होना संभव है वह कार्य करता है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, यह माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, ऐसा धारा 299 कहती है। कहने का मतलब यह है कि सबसे मेजर थिंग जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटेंशन है, उसका आशय, उसका उद्देश्य उसको मारना होना चाहिए या उस आशय से ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे वह जानता हो कि वह मर सकता है, या ऐसे किसी कार्य कर कोई कार्य करता है जिससे उसका मरना उसको संभाव्य है, ऐसे कोई कार्य करता है इस इंटेंशन के साथ कि वह मरे, उसकी डेथ हो, तो यह माना जाएगा कि उसने कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है। इसमें कुछ इलस्ट्रेशन उदाहरण दिए हुए हैं, एलेज स्टिक्स एंड टर्फ ओवर ए पिट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग डेथ और विथ द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाई कॉस्ट जेट बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म ट्रेड्स ऑन इट फॉल्स इन एंड इज किल्ड ई हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कहने का मतलब, ये एक व्यक्ति है जो यह जानते हुए कि इस गड्ढे में गिरने से आने वाले की मृत्यु हो सकती है, वह एक गड्ढे के ऊपर सूखी लकड़ियाँ और कुछ घास और पत्ते बिछाता है ताकि वह व्यक्ति जेड उस रास्ते से गुजरे और उस गड्ढे में गिर जाए और उसकी मौत हो जाए। जेड उधर से गुजरता है और उस गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो जाती है, ऐसा माना जाएगा कि ए ने कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है क्योंकि उसका इंटेंशन जो था, यहाँ पे मेन फोकस है इंटेंशन पे, उसका आशय था कि वह जेड की हत्या कार सॉरी जेड जेड की मृत्यु कारित करे। दूसरा उदाहरण है, बी नोज जेड टू बी बिहाइंड ए बस, बी डज नॉट नो इट, ए जानता है कि जेड जो है एक बस के पीछे है, बी यह नहीं जानता है, ए इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग टू बी लाइकली टू कॉज जेड्स डेथ इंड्यूसेस बी टू फायर एट द बस, ए जेड की हत्या कारित करने के मृत्यु कारित करने के आशय से बी को यह कहता है कि वह बस की तरफ फायरिंग करे, बी फायर्स एंड किल्स जेड, बी फायर करता है और जेड मारा जाता है। हियर बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस,
यहाँ पर बी किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है, बट ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन यहाँ पर ए जो है वो आपराधिक मानववध के लिए दोषी है। यहाँ भी आप मेजर थिंग समझिए, यहाँ भी मेजर थिंग इंटेंशन ही है, क्योंकि ए का जो आशय था वह बी जेड को मारने का था, बी का कोई आशय इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए बी किसी भी ऑफेंस का दोषी नहीं है, उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। तो मेजर थिंग ये है कि उस कार्य जो कार्य वह कर रहा है जिससे किसी की मृत्यु होना संभव है, इसमें यह इंटेंशन या आशय अवश्य होना चाहिए कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को मारना चाहता है जिसके विरुद्ध वह ऐसा कार्य कर रहा है। यह थी सेक्शन 299 आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं डेथ की डेफिनेशन जो सेक्शन 300 आईपीसी में दी गई है। आइए देखते हैं वो क्या कहती है। धारा 300 आईपीसी मर्डर की डेफिनेशन में स्पष्ट करती है, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। कहा गया है कि जो नीचे परिस्थितियां दी गई हैं उनके अतिरिक्त सारे कल्पेबल होमिसाइड सारे आपराधिक मानववध हत्या की श्रेणी में आते हैं। इफ़ द एक्ट बाई विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, फिर वही इंटेंशन वाली बात है, अगर वह कार्य इसी इंटेंशन के साथ इसी आशय के साथ किया गया है कि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, तो वह सारे आपराधिक मानववध हत्या की कोटि में आएंगे जो नीचे अपवाद दिए गए अपवादों की कोटि में नहीं आते। इसमें लिया गया है इफ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडिली इंजरी एज द अफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन और हुम द हार्म इज कास्ट। अगर अफेंडर यह जानते हुए कि कोई ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाता है जिससे उसकी मृत्यु होना संभाव्य है, इफ़ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडिली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडिली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु होना संभाव्य है, जैसे किसी के सर पर हमला करना, किसी के पेट में तलवार घुसेड़ देना, किसी के गुप्तांगों पर हमला करना, ये सारी चीज़ें इसमें आदमी ये जान रहा होता है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति की मृत्यु संभव है। इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज़ सो इमीनियंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट्स सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी एज एफोरसेड। ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कंसिक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर। ए जेड को मार डालने के आशय से उस पर गोली चलाता है, जेड मर जाता है, यह माना जाएगा कि ए ने हत्या का अपराध किया है। ए नोविंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच ए डिसीज दैट ए ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ। ए यह जानते हुए कि जेड एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो एक मुक्के से उसकी मृत्यु कारित कर सकता है, स्ट्राइक्स हिम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, उसे शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से मारता है। जेड डाइज इन कंसिक्वेंस ऑफ द ब्लो, उस मुक्के के प्रहार के अनुक्रम में जेड की मृत्यु हो जाती है। ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, यहाँ पर ए हत्या के अपराध का दोषी है। अल्दो द ब्लो माइट नॉट हैव बीन सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, यहाँ पर यह भी है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में एक मुक्का किसी की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है इन ए साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, लेकिन यह तब है जब वह
स्वस्थ शरीर के साथ उपस्थित हो, बट इफ़ ए नॉट नोविंग दैट जेड इज़ लेबरिंग अंडर एनी डिसीज, लेकिन उसी परिस्थिति में अगर ए यह नहीं जान रहा होता है कि जेड किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जहाँ पर एक मुक्के के प्रहार से उसकी मृत्यु हो सकती है, और ऐसे में वह उसे एक मुक्का शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से मारेगा और ऐसे में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ वह कल्पेबल होमिसाइड का अपराध करता है। ए इंटेंशनली गिव्स जेड ए स्वॉर्ड कट और क्लब वॉन्ड, तलवार का घाव देता है, सफिशियंट टू कॉज द डेथ ऑफ ए मैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, जो कि किसी भी व्यक्ति के प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। जेड डाइज इन कंसिक्वेंस हियर, ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज जेड्स डेथ। यहाँ पर ए भले ही जेड को मारने का के आशय से उसके ऊपर प्रहार नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके यह पता था कि इस प्रहार से मृत्यु कारित हो सकती है, इसलिए वह हत्या का दोषी है। ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स ए लोडेड कैनन इनटू ए क्राउड ऑफ पर्सन्स एंड किल्स वन ऑफ देम, ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर। ए बिना किसी कारण के एक लोडेड कैनन जो है भीड़ के ऊपर फायर करता है, जिससे वह एक की हत्या कारित करता है, मृत्यु कारित करता है। यहाँ पर ए हत्या का दोषी है, भले ही उसका किसी का हत्या करने का कोई भी आशय न रहा हो, लेकिन वह यह जानता था कि भीड़ के ऊपर फायर करने पर मृत्यु हो सकती है। यह कार्य इतना इमिनेंट डेंजरस है, आसन्न संकट वाला है कि इसमें मृत्यु होना संभाव्य है, ऐसा जानते हुए भी उसने फायर किया और वहाँ पर मृत्यु होती है, इसलिए वह हत्या का दोषी है। When culpable homicide is not murder, culpable homicide is not murder if the offender whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation. कोई भी culpable homicide तब हत्या नहीं होती है जब ऐसा मृत्यु कारित करने वाला व्यक्ति किसी भी शक्ति के प्रभाव में, किसी बाह्य शक्ति के प्रभाव में अपने मस्तिष्क या शरीर से अपना नियंत्रण खो बैठता है और उसके बाद वह ऐसा मृत्यु कारित करता है उस प्रोवोकेशन के बाद, तो बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, यह मिस्टेक एक्सीडेंट की श्रेणी में आएगा। द एबो एक्सेप्शंस इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस। फर्स्ट, दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट और वॉलेंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। यह ऐच्छिक प्रोवोकेशन ना हो कि ज़बरदस्ती उसने ऐसा किसी को मार डालने के लिए ही या उसकी हत्या करने के लिए ही ऐसा प्रोवोकेशन करवाया हो और फिर उसकी हत्या कर दी हो, ऐसी स्थिति ना हो। दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। यह कि ऐसा प्रोवोकेशन किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कार्य करने के दौरान न दिया गया हो। थर्डली, दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो उसका वैधानिक अधिकार है प्राइवेट डिफेंस का, ऐसा प्रोवोकेशन उसके अनुक्रम में ना हो। एक्सप्लेनेशन, वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम amounting to murder is a question of fact. A under the influence of passion excited by a provocation given by Z intentionally kills Y, Z's child. This is murder. In as much as the provocation was not given by the child and the death of the child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation. Why give grave and sudden provocation to A? A on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill.
जेड हु इज़ नियर हिम बट आउट ऑफ साइट ए किल्स जेड हियर ए हैज़ नॉट कमिटेड मर्डर बट मेयरली कल्पेबल होमिसाइड ए लॉफुली अरेस्टेड बाई जेड ए बेलिफ ए इज एक्साइटेड टू सडन एंड वायलेंट पैशन बाई द अरेस्ट एंड किल्स जेड दिस इज मर्डर इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वॉज गिवन बाई ए थिंग डन बाई ए पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स ए अपीयर्स एज विटनेस बिफोर जेड ए मजिस्ट्रेट जेड सेज दैट ही डज नॉट बिलीव ए वर्ड ऑफ एज डिपोजिशन एंड दैट ए हैज परज्यूर्ड हिमसेल्फ ए इज मूव टू सडन पैशन बाई दीज वर्ड्स एंड किल्स दिस इज मर्डर A attempts to pull Jed's nose. Jed is the exercise of the right of private defense. Lays hold of A to prevent him to from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Jed. This is murder. Jed strikes B. B is by this provocation excited to violent rage. A is bystander intending to take advantage of B's rage and to cause him to kill Jed. Puts a knife into B's hand for that purpose. B kills Jed with the knife. Here, B may have committed only culpable homicide, but A is guilty of murder. Culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of 18 years suffers death or takes the risk of death with his own consent. कोई ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है किसी ऐसी दर्द से ऐसे रोग से जूझ रहा है जिससे उसको प्रतिदिन मृत्यु से सामना हो रहा हो और उसका मर जाना ही उचित है और वह अपनी सहमति से मृत्यु स्वीकार करता है तो यह माना जाएगा कि यह कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन इन ए सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन ए सडन क्वेरल एंड विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन द क्रूएल और अनयूजुअल मैनर तो ये था हत्या और आपराधिक मानव वध में अंतर आशा है कि इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा धन्यवाद